वचन वो कह रहा है वो डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। और जहां तक बुक्स और 500 फ्रेंड्स और ये वीडियो बनाना, ये उसको जज करने के टूल्स हैं, कुछ भी नहीं है। मोहित ने फ्रेंड बनाए, तुम सब ने फ्रेंड बनाए, सब ने दूसरी आईडी बनाई पहले, उस पर फ्रेंड बना लिया, किसी काम नहीं आएंगे तुम्हारे को, ना वो मेहनत काम आएगी ना स्ट्रगल काम आएगी। लड़की की फोटो लगा के मैं भी लगाऊंगा, आधे घंटे में 500 फ्रेंड मिल जाएंगे भाई, नाम रख के भी बना लूंगा 500 फ्रेंड मिल जाएंगे, सारे लड़के ऐसे हैं। उसका कोई आपको फायदा देना था, आपने कहे मुझे मसल बनाना है, आपने कहे स्टीरॉयड की दो गोली खा ली भाई मेरे मसल बन गए, उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, मसल नजर आ रहे खाली किसी काम के नहीं है, कुछ उठा ही नहीं सकोगे। 500 फ्रेंड बनाने से एक माहौल चेंज करना था, वो माहौल के अंदर हम काम करते हैं। वही लड़का जो यहाँ पे मैं किसी को लाइन बनाने का कहूँगा तो क्या होगा, वो लाइन बनाएगा? पाकिस्तान में लोग लाइन नहीं बनाते, वही लड़का यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट में दुबई जाके खड़ा होता है, लाइन में खड़ा रहता है, क्योंकि माहौल बदल जाता है, जैसे ही माहौल बदलता है सब लाइन में खड़े रहते। तो मैं माहौल कल्चर की जो मैंने शुरू में बात की थी वो माहौल उसका टेस्ट करता हूँ। कि जैसे आप रिश्ता आता है तो क्या करते हैं, मैं ताज्जुब करता हूँ, 2 मीटिंग में रिश्ता हो जाता है। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, भूपी से पूछा, खाला से पूछा, ये 2 मीटिंग में रिश्ता कैसे कर देते हैं यार, हम तो हायरिंग करने में मर जाते हैं यहाँ तो, अरे आप जिंदगी भर के लिए एक बंदा रखते हैं, हम कैसे रिश्ता कर देते हैं। मेरे समझ कहते हैं हम खानदान देखते हैं, इसलिए लोग खानदान में करते हैं, क्यों, खानदान में 5 रेफरेंस मिल जाते हैं, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये चलेगा नहीं चलेगा आपकी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास कोई सीवी लेके आता है, मुझे तो उसका खानदान नहीं मालूम, मैं सवाल कब क्या करता हूँ, कभी मेरे इंटरव्यू के साथ कौन कौन बैठा है मेरे साथ इंटरव्यू में, सिर्फ तुम बैठे हो, मैं सवाल करता हूँ बेटा कहाँ रहते हो, आप लोगों के साथ मैंने गप्पे लगाई, कभी काम की बात पूछी थी, आपका खानदान क्या है, आपका मिजाज क्या है, आपके घर में डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, कौन है आप, हैं कौन आप, क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन होगा आगे चल के। सीवी इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ, आपने क्या पढ़ा है, आपके नंबर पाकिस्तान में और नंबर, इट डजंट मैटर, रट्टा अच्छा लगाना, हाँ तोता थोड़ी हायर करना है, तोता रख लेना, सबसे अच्छा प्रोग्रामर तो तोता होना चाहिए, सबसे अच्छा एम्प्लॉई तोता होना चाहिए, तो हर चीज रट लेता है, राइट। तो अगर मेरी बेटी बैठी होती ना, मैं उससे भी ये बोलता, तुम प्लीज बुरा नहीं मनाना, मेरी सभी बहन भी होती, मेरी बेटी होती, मैं तुम उससे पूछना, उसके साथ ये करता हूँ, तो ये नहीं समझना कि तुम्हारे साथ कोई कर दिया, हो सकता है ना यार, मैसेज आ सकता है, नहीं आ सकता, आजकल माहौल सब बोला है, शक्ल से लग रहा है। सो वॉट यू नीड टू बी एबल टू डू, यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट, वन नंबर वन, अगर दिल में कुछ है तो वो मुंह पे ला दें, ये खौफ, ये लेवल, इस ये चेक करते हैं हायरिंग करते हैं, अगर वो बंदा खरा ही नहीं है तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा तो कहीं हर जगह झूठ बोलेगा ना, डंडी मारेगा वो, इसलिए इंसान चेक करते हैं आदमी रखते हुए। अब वो इंसान ही नहीं है तो मैं अकेले, हमारे पास थोड़े लोग हैं, वी आर नॉट एट 500 पीपल कंपनी। जब आप किसी बैंक, जैसे मिसाल के तौर पर फैसल बैंक में काम करते, बैंक के अंदर आपने क्लर्क पे फिट कर दिया ना, वो बंदा कुछ उसके पास चांस ही नहीं है खराब इंसान बनने का, वो जंगली जानवर भी होगा वहाँ फिट करते हैं, वो चल जाएगा, क्यों, इधर से धक्का पड़ रहा है, इधर से धक्का पड़ रहा है, वो एक तरह की वो सिस्टम असेंबली लाइन में बैठा हुआ है। जो हमारी एजुकेशन है वो असेंबली लाइन के लिए प्रिपेयर कर रही है, इसलिए वो फिट हो जाता है, बैंक की नौकरी में फिट हो जाएगा, गवर्नमेंट की नौकरी फिट, फाइल आ रही है, फाइल जा रही है, सिस्टम में फंसा हुआ है, यहाँ सिस्टम ही नहीं है वो, यहाँ आपको कहा जा रहा है सोचो क्या दिल चाह रहा है, मुस्कुराओ, यही कैसी सिस्टम भाई, वो बैंक वाला कहता है भाई परफॉर्मेंस दो, तुमने कितने चेक मेरे पास करे हैं, वो क्या मुस्कुराते हो, नहीं मुस्कुराओ जहन्नम में जाओ, तुम मुस्कुरा नहीं सकते, आई डोंट केयर चेक कितने पास करते हो। सो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा नहीं, मुझे तो बताओ भाई मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, तो मेरे पास कोई आके बैठेगा इंटरव्यू देने, मैं पहले क्या कहूँगा आपको, क्या कहता हूँ, हाँ भाई मूड क्यों खराब है तुम्हारा, ओवैस भाई हर वक्त परेशान रहते हो, ये बोलता हूँ ना मैं, काम की बात तो नहीं करता, जब तुम परेशान होगे तो काम कैसे सही करोगे, तुम हर वक्त परेशान रहते हो, काम देख लो तुम्हारे, मैं भूल गया था, ये पहली दफा सुना था। तो जब आप छोटी टीम होते हैं तो आपके पास धक्का लगाने वाले लोग कम हैं, अगर हम 1000 लोगों की कंपनी होते ना तो प्रोसेस फर्क होता, यहाँ आपको कोई नहीं बिठा के इस तरह ट्रेनिंग करता, 10 लोग होते हैं मेरिट में बैठे होते, आराम से फैसला करते थे आपकी जिंदगी का, आप खुश रहते,
love it, which we have to raise 5% raise. That's why you need to understand that if one person is working in a big company, 500 company, the way is professionalism, that is a requirement in a large organization. It's startup culture is different, middle culture is different, large enterprise culture is totally different. Two people's company, three people's company, different तरीके से काम करेगी. अभी हम 40 लोग हैं, different तरीके से काम करेंगे. 40-45 रह गए. जब 400 होंगे तो different. 400 होंगे तो बिल्कुल मिजाज फर्क हो जाएगा, हर चीज फर्क हो जाएगी. इस तरह नहीं होगा. So जो हाँ हैं, पहले तो ये फैसला करें. अब आप लोग ज़्यादातर लोग judge कर रहे होते हैं. अब पप्पा ने क्या कहा, बड़ा भाई क्या कर रहा है, नानी ने क्या कहा था, अम्मी ने क्या कहा था, फिल्म में क्या देखा था. नो भाई, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग नहीं जानते. हाउ कैन दे जज, दे कैन नॉट. सो ओनली पर्सन जो जज करना चाहिए वो आप खुद अपने तौर पे जज करें. आपको काबिल इस तरह बना रहे हैं कि आप अपनी खोपड़ी को खुद इस्तेमाल करें. आप जैसे ये जो फीचर्स राजा साहब की बताए, ये तो वेस्ट है. इनके दोस्तों ने इनको क्या बताया, मेरी फलाना कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे तो सैटरडे ऑफ होती है, वहाँ पे तो ये होता है. तो भाई तो वहाँ सैटरडे ऑफ होती है, यहाँ कहाँ पे इस तरह की लेट के तुम्हारे साथ कोई तो खेल कूद कर रहे हो. तो उसको बताओ ना जरा, ये वाली लालच भी तो हाँ भाई, यहाँ पे खेल कूद हो रहा होता है हर वक्त, तो हम सारा फुटबॉल खेल रहे होते बैठे, वो कुछ कहता नहीं है, ये भी तो बताओ. तो वी कैन नॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कंपनी का कल्चर बेनिफिट अलग है. अगर नहीं अच्छा लगता तो क्या करना चाहिए हमें, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से भाई, ऐसी जगह जाओ जहाँ पहले खुश हो, इतनी तकलीफ में काम ना करो. अगर तकलीफ ज्यादा हो गई कुछ और क्या बनाना चाह रहे थे, पता नहीं क्या बनाना था. हाँ, तो काम नहीं, नहीं मैंने आपसे कहा था कि ये तो एक मिसाल दे दी, हम लोग आपस में बैठ के अपना माहौल ही कैसे इम्प्रूव करें. जैसे रहन भाई ने कहा कल्चर हम ही सब बना रहे हैं, हम ही तो कल्चर है, हम ही कल्चर है ना. अब हमें ये भी तय करना चाहिए कि अगर हम आज सब मिलकर तय करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 पे सब बैठ के डिसाइड करते हैं, तो हम सबको ये बैठ के डिसाइड करना है कि हम इसमें लेवल 4 पे कैसे आएंगे और लेवल 5 पे कैसे. देखिए बाहर से कोई आदमी हमें नहीं बताएगा. जब रैन मैंने बताया कि कल्चर हम ही सब का है, हम ही सब इसको ड्रिवन कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपने मिजाज से इसे बना रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड विच ईच अदर, जहाँ सब एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को उसको समझे और उसको समझ के बताएं कि ये 4 कैसे हुई थी और 5 कैसे. तो मेरा ख्याल है इसको मैंने यहां पे रिक्रूटमेंट का तरीका क्या बताया है. अगर आपने लाइब्रेरी पढ़ी है, दोनों ने, आपने तो पढ़ी है शायद, पता नहीं है तुमने फिजिकल देखी. रिक्रूटमेंट का तरीका नंबर 1, नंबर 4 का अलग है. बंदा सेलेक्ट करो, उसको तुम ट्रेन करो, उससे अगला बंदा ट्रेन करवाओ कि लाइक कंटेंट बनवाओ. अगर तुम ये कर देते हो तो तुम्हारी तो तरक्की हो गई इंस्टेंटली, सैलरी भी बढ़ जाएगी इंस्टेंटली, जो कि नहीं बढ़ी मेरे ख्याल में, पता नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी. एंड दिस इज द प्रोसेस व्हिच आई क्रिएटेड 4 years अगो. अगर आपको कंपनी में इनकम चाहिए बढ़ानी है तो क्या करें, बंदा सेलेक्ट करें, उसको जो कुछ आपको आता है उसको वीडियो के जरिए ट्रेन कर दें. जब वो ट्रेन हो जाए तो उससे कहें अगला बंदे के लिए वीडियो बना के ट्रेनिंग का कॉन्टेंट जमा कर दो. अब आप अपनी नौकरी से हट जाओ, आपने जगह नहीं छोड़ी, चाहते अपनी जगह छोड़ दो और फारिग होकर बैठ जाओ. मैं तो फारिग हो गया, सारा काम ऐसा फारिग बैठता है सारा दिन, ऐसा को क्या होना चाहिए, सारे दिन फारिग बैठना चाहिए. जब ऐसा बिल्कुल फारिग बैठे ऐरान भी मेरे पास तो काम ही नहीं करने को, कोई काम देते. दैट इज व्हेन आई बिलीव कि ऐसा रिजल्ट नंबर 4, कि मैं तो सारा काम डेलीगेट कर चुका हूँ, तो करने का काम ही नहीं, सर को जाना काम है. हाँ भाई चाय ले आ भाई, और आ भी फुलिंग देख रहा हूँ बैठा हूँ मैं तो. ये यहाँ जो रहते दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल जहाँ प्रमोशन जहाँ भी किसी का प्रमोशन होगा या एलिवेशन होगा, वहाँ सबसे पहले लिखा जाता है कि आपका रिप्लेसमेंट तैयार है, तभी आप लेटर में अप करते हो, वरना नहीं कर सकते. और ये हमारे सोच का प्रॉब्लम है कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी सीट पर खाली बैठ गए तो हमको नहीं निकाला जाएगा. लेकिन आपने बोलना है मैं फारिग हूँ भाई, सारा दिन कोई काम तो दे दो अल्लाह के वास्ते, क्या करूँ अब, या मैं प्रोजेक्ट खुद लेके आ जाऊँ. यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, सुबह से लेकर रात तक मैं ये करूँ. ये एटीट्यूड मिसिंग, ये
लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, अगर मैंने अपनी सीट खाली कर दी तो क्या होगा, कोई दूसरा आगे बैठ जाएगा। ये एटीट्यूड कहाँ से आया है मुझे नहीं मालूम, कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है मुझे नहीं मालूम। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें रोल मॉडल्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये देखे बगैर होगा नहीं। तो आपसे भी और जो पुराने लोग हैं ज़्यादा, उनसे गुजारिश है अभी से भी कि प्लीज़। अब मेरे ख्याल में ये आप दोनों शायद ना कर सकें, कमाल भाई कर देंगे काम जल्दी, उम्मीद तो लग रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे काम मैं डेलीगेट कर दूँ और ये सारे प्रोसेस हों, मैं हूँ या ना हूँ काम होना चाहिए। दैट इज़ वेयर द कंपनी विल ग्रो। मैं हूँ या ना हूँ कंपनी शुड रन। If you think कि मेरे होने से कंपनी चल रही है तो वैसे आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। जो भी यहाँ पे सोचता है उसको अपने यहाँ पे थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है। कैसे वैल्यूएट करें आप खुद देखें, आप कितने घंटे फारिग हो सकते हैं। अगर आप उतने घंटे फारिग हो सकते हैं, अगर उतने घंटे में आप अपने डेवलपमेंट पे काम करें, अपने ग्रो करने पे काम करें, तो सैलरीज आमदनी कोई कोई चीज नहीं है कि ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। इट्स ऑल रेलेवेंट। मैंने आमदनी का तरीका किसको समझा रहा था, विशाल को भी समझा रहा था, आपको दोनों नहीं, ठीक है। आमदनी का ताल्लुक काम करने से नहीं होता। लोग समझते हैं आमदनी का ताल्लुक काम करने से, किससे होता है आमदनी का ताल्लुक, आपका ख्याल में कितने लोग समझते हैं आमदनी का ताल्लुक काम करने से। आमदनी का ताल्लुक दूसरे पे अपने ऊपर काम करने से, फिजिकल काम करने से। आमदनी का ताल्लुक आपकी जिम्मेदारी से, आप कितने लोगों को मैनेज करते हैं या आप कितने लोगों के जिम्मेदार हैं, इससे आमदनी का ताल्लुक। अगर एक आदमी 500 लोगों को मैनेज करता है, ये 500 लोग का जिम्मेदार है, तो उसकी आमदनी कम होगी ज्यादा होगी। और एक आदमी को मैनेज भी नहीं करता, उसकी आमदनी, और दो को करता है उसकी आमदनी बढ़ती है, वेरी सिंपल। तो क्या आपके अंदर इतना तेल है कि आप 500 लोगों को मैनेज कर सकते हैं, वो तेल पैदा करें। जब तेल